एक औरत अगर आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रही है और वो फिर भी असफल हो रही है, इसलिए हर उस औरत से कहना चाहूँगी कि तुम कभी हार मत मानना। एक औरत के अंदर बहुत शक्ति होती है, एक औरत के अंदर वो ताकत होती है जो दुनिया को चुनौती देने के लिए काफ़ी होती है। वह हर मुश्किल को पार कर सकती है, आगे बढ़कर अपने सपने पूरे कर सकती है। बार बार असफल होने का मतलब यह कतई नहीं कि आप एक दिन सफल नहीं हो सकते। तो इसी मोटिवेशन थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ ऑफ टेढ़ा में। आज बच्चों की छुट्टी है तो मैंने सुबह की शुरुआत कपड़े धोने से की है। कपड़े मैं धोने के लिए डाल दिए हैं, फिर मैंने सारे घर में झाड़ू लगा लिया। बच्चे अभी सो रहे हैं, मैंने अपने और हस्बैंड के लिए चाय बनने के लिए रख दी थी। मैं आ गई थी रूम में, मुझे धोने के लिए बेडशीट लेनी थी जो मैंने बिल्कुल आराम से निकाल ली थी क्योंकि अक्षत सोया हुआ था। जब कपड़े धुल ही रहे हैं तो साथ में साथ बेडशीट भी धुल जाएगी। चाय की चुस्की के साथ थोड़ी सी वार्तालाप करने के बाद कपड़े सभी धुल चुके थे तो मैंने इन्हें सुखाने के लिए डाल दिया। सुबह का दूध आ चुका था तो पैकेट को धोकर फ्रिज में रख दिया था। फिर चाय के सभी बर्तन धो दिए थे। फिर मैंने सारे घर की डस्टिंग भी कर ली थी। डस्टिंग मैं 2 से 3 मिनट के अंदर कर लेती हूँ क्योंकि अगर हम साथ के साथ डस्टिंग कर लेते हैं तो ये नहीं रहता कि अरे मैंने पोंछा तो लगा लिया, डस्टिंग नहीं की। अब मेरी एक्सरसाइज रह गई है जो मुझे किसी भी हाल में करनी है। एक्सरसाइज मैं रस्सी से कूदना पसंद करती हूँ जो हमारी बॉडी को तो स्ट्रोंग बनाती है, साथ में माइंड को भी स्ट्रोंग बनाती है। अब बच्चे उठ चुके थे, बच्चे नहाने के लिए गए हुए थे, इतने मैंने बेडशीट बिछा दी क्योंकि छुट्टी में भी बच्चे जल्दी नहा लेते हैं। फिर मैंने भी पोंछा लगा लिया और नहा भी लिया। अब उनके नाश्ते का टाइम हो चुका था तो मैंने नाश्ते में बनाना शेक बनाकर पीने के लिए दे दिया था क्योंकि बनाना शेक में बहुत कैलोरी होती है जिससे भूख जल्दी नहीं लगती। फिर फटाफट सब्जी काट कर रख दी थी। सब्जी में शिमला मिर्च प्याज बनाऊंगी। कढ़ाई में बड़ी बड़ी प्याज काट कर डाल दी थी। एक टमाटर और मिर्ची काट कर भी डाल दिए। फिर शिमला मिर्च, सभी बेसिक मसाले और आधा कटोरी दही डालकर उबालने तक चलाने के बाद सब्जी तैयार हो गई। सभी को खाना वाना बनाने के बाद मैं आ गई थी सोफे के कवर निकालने। मुझे सोफे पर कवर बिछाने थे। इस अलमीरा में मैं बेडशीट, कवर वगैरह रखती हूँ। काम तो मेरा 8 बजे तक निपट गया। ये है मेरा बचा हुआ टाइम। सुबह में इतनी फटाफट काम निपटाती हूँ। कि मेरे पास टाइम ही टाइम होता है। सोफे के कवर मैंने बाद में बिछाने के लिए छोड़ दिए थे। घर को सभी तरह से चकाचक करने के बाद मैं आ गई थी वेजिटेबल बास्केट को ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए। मैंने बास्केट को अच्छे से पोंछ दिया था। मेरे पास ये प्लास्टिक की ट्रे है जो मेरे बच्चों को कन्या पूजन में गिफ्ट के तौर पर मिली थी, जिनका मैं कुछ यूज नहीं करती। मैंने सोचा इन्हें इस बास्केट की रैक में बिछा देती हूँ जिससे इनका भी यूज हो जाएगा और बास्केट से प्याज लहसुन के छिलके भी नहीं निकलेंगे। इस तरह से मैं छुट्टी के दिन भी अपना सभी काम
5 से 8 बजे तक फिनिश कर लेती हूँ और एक्स्ट्रा जो बचे हुए काम होते हैं उन्हें भी फिनिश कर लेती हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।